What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 31 मार्च 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:55 हो रहे। तो आज सेकेंड डे है इस वीक का। कल हमने देखा वीक की शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी। आज क्या हो सकता है निफ्टी में आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 30 मार्च आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर देखना है आपको तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8743 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8441। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकडाउन लेवल के नीचे और क्विकली यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो था 8350, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की। तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ये ओपन हुआ था, और जैसे ऊपर की तरफ बढ़ा तो इसने ये 20 EMA का जो पिंक लाइन है इसका सपोर्ट लेके फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करने लगा। और जैसे ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 8350 यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ। पहले तो इसने सपोर्ट लिया और बाद में फिर से जब ये एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ आया तो इसी लेवल के पास इसने कुछ देर तक यहाँ पर पॉज लिया, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद भी ये और टुवर्ड साउथ की तरफ बढ़ा और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 67 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था, ट्रेड करने का मौका था। और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 50,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के प्लान का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालत देख लेते हैं। कल यूरोपियन मार्केट देखे, US मार्केट देखे तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स। एशियाई बाजार आज देखे तो SGX निफ्टी 112 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट में भी इस समय पॉजिटिव कारोबार देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 51 पॉइंट की इस समय बढ़त बता रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट से फिलहाल रिकवरी हो रही है ऐसा संकेत माना जा सकता है, लेकिन जो अभी भी डाउन ट्रेंड है वो इम्पैक्ट है। जैसे अगर ये टेंशन्स पूरे ग्लोबल मार्केट्स में और बढ़ते हुए अगर दिखाई दे सकता है तो इंडियन मार्केट्स में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये टॉप और ये बॉटम को पकड़ के, तो लास्ट वीक आपने देखा कि 8672 जो कि 23.6% का लेवल है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी इसके लेवल के ऊपर अगर ये चला जाता है तो नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9390 के पास रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन हालांकि प्राइस एक्शन के पैटर्न को देखें तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर वीकली चार्ट में चल रहा है। अभी तक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ नहीं है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बना रहा है। तो ये कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के मुताबिक ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है। हमें हायर हाई हायर लो बनना पड़ेगा वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड मूवमेंट में। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप हमें फॉलो कर रहे कई सारे दिनों से, तो अभी एक दो दिन पहले भी यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ऐसा पैटर्न बन सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर इसे हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लिख रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे। ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और अभी ये बन सकता है राइट शोल्डर। बनेगा ही ऐसा कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस पार्ट है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ अगर चला जाता है तो ये नेक लाइन का इसको ब्रेकआउट भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज अगर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, स्विंग लो बना है यहाँ पर, काफ़ी मेजर स्विंग लो है ये, इसको अगर फिर से एक बार ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये जो बाउंस बैक आया था इसका पहले ही हमें इंडिकेशन मिल गया था, जैसे ये RSI वर्सेस प्राइस एक्शन का यहाँ पर हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखे थे। ऊपर प्राइस एक्शन में लोअर लोज बन रहे थे, हालांकि ये RSI जो है वो हायर बॉटम्स बना रहा था, यानी
हायर लोज बना रहा था। तो ये क्लियर कट डाइवर्जन है, ऐसा जब भी आता है पैटर्न तो प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बाउंस बैक देखने को मिले। उसी तरह से अभी दो तीन दिनों से यहाँ से एक अपसाइड बाउंस बैक होने की कोशिश हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये पैटर्न बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगर ये बनता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा, बियरिश टू बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो सकता है ये। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। अब तक चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के लो को अगर ब्रेक करता है, यानी 8,237 के नीचे चला जाता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, यानी 8,158, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 8,033, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो कि S2 का लेवल है। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने दीजिए। देखिए यहाँ पर ही इसने एक पास्ट में दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए पिवट पॉइंट का, और उसके बाद ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो पिंक लाइन है। कल इसने देखा 10 मिनट के चार्ट में इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, तो इससे पहले यानी 8,425 ये हमारा हो सकता है फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हो सकता है R1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 8,490, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।